हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का ब्लॉग है हमारा कॉलेज। हमारा कॉलेज है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज, रोहिणी सेक्टर 22। लेट्स गो गाइस। सो गाइस, हमारा कभी कभी ब्लॉग बहुत डिले हो जाता है कि इसका रीज़न ये है कि हमारी पढ़ाई भी चल रही है और साथ साथ ये अपना फैमिली बिजनेस भी देखता है हर संडे सैटरडे जाके, और हम साथ में मॉडलिंग भी करते हैं। हमारा दूसरा चैनल भी है जो आपको पता होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रो करना पड़ता है हमें, लेकिन हमारे ब्लॉग्स बड़े अच्छे रहते हैं। सो गाइस, हम लोग मेट्रो में बैठे हुए हैं और मेट्रो का वेट कर रहे हैं, और हमारा अभी दूसरा में चेंज भी करनी पड़ेगी मेट्रो, और बहुत वेट कर रहे हैं, और गर्मी दिल्ली की बहुत पड़ रही है। सो गाइस, अगर आपको महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जाना है, वो भी रोहिणी के, तो आपको मेट्रो प्रेफर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेट्रो सबसे ईजिएस्ट वे है जाने का। वरना कार से जाओगे तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगे जाएंगे, और मेट्रो से ट्रैवल करोगे तो आपको 1 घंटा मिनिमम लगेगा। सो गाइस, ये हमारा ऑडिटोरियम है कॉलेज का, और ये बहुत बड़ा है अंदर से, और ये लेफ्ट मेट की बिल्डिंग है, और आगे जाके जो आपको दिख रहा है ये हॉस्टल है हमारे कॉलेज का, और ये बीचों बीच जो राइट में है, अभी दिखाता हूँ आपको, ये महाराजा के जो लेफ्ट में बीच में है ये हॉस्पिटल है हमारे महाराजा का। गाइस, इतनी मेहनत के बाद हम लोग अपने कॉलेज पहुँच ही गए हैं, और सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत एक चीज़ की पड़ती है, वो गर्मी ने हमारी ले रखी है। और हमारे कॉलेज में ना 3-4 बिल्डिंग है, एक मेट की है, BGMC की है, और एक BBA की है। अगर आप प्रॉपर कॉलेज के बंदे हो, आपको पता होगा आप कॉलेज क्यों आते हो। ज़्यादा हम लोग बंक ही होता है कॉलेज में, और मैं आपको और दिखाता हूँ, एक मेट की बिल्डिंग दिखाता हूँ आगे कैमरे से। ये हमारी कॉलेज की मेट की बिल्डिंग, ये हमारा छोटा सा स्टेडियम बैठने के लिए, और ये हमारा पार्क है, और ये जो इधर सामने है ये जो ट्री है ये हमारा हॉस्टल है बच्चों का कॉलेज के। तो अभी मैं आ गया हूँ 8th फ्लोर में। वैसे तो यहाँ पर 9th फ्लोर है, लेकिन मैं 8th फ्लोर में आऊँ, 9th फ्लोर में हमें आना जाना अलाउड नहीं है, और मैं महाराजा अग्रसेन में कम 9th फ्लोर है, और लिफ्ट 2 लगी हुई है। सो गाइस, आदित्य बहुत कम बोलता है, लेकिन उसकी हरकतें सबसे आगे रहती है। ये देखो, अभी भी मजे ले रहा है टीचर से। तो अभी जब हम लोग आ रहे थे, इसने हरकत की, बस में हम लोग थे, तो बस का इसने ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके और BTS के गाने लगा दिए थे, और किसी को अभी तक पता ही नहीं चला कि गाने किसने चलाए। देखो, गाइस, हमारी क्लास में बच्चे भी बड़े अलग अलग से आते हैं, एक से एक अलग होता है, कॉपी खोलने में पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, और हमें पता है हम लोग कैसे झेलते हैं उन जैसे बच्चों को। और कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, एक बार कभी आना ट्राई करना रोहिणी में, और बहुत मज़ा आता है कॉलेज में, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। बस आपको पता चल ही गया होगा इसका नेचर कितना बढ़िया है। सो गाइस, हमने अपना लंच ख़त्म करा, लेकिन आदित्य का लंच अभी चालू होगा थोड़ी देर में। अपना लाओ, ये कभी भी किसी को अपना लंच नहीं देता, और हर दिन पनीर, राजमा चावल, चाप। अरे भाई, बिजनेसमैन है, क्या करें अब। तो अभी हम नीचे चल रहे हैं, लाइब्रेरी जाएंगे, लाइब्रेरी भी आपको दिखाऊंगा, फिर कैफ़े दिखाएंगे, और उसके बाद घर वापस जाते हुए दिखाएंगे कैसे जाते हैं हम। बस टेंशन थोड़ी सी गर्मी की रहती है, वरना और कुछ नहीं, हमारे एग्ज़ाम और पढ़ाई हमारी सारी अच्छी चलती है। और गाइस, हाँ, जो मेरी वीडियो देख रहा है, प्लीज़ शेयर करना, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि मैं कभी भी नहीं बोलता कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आप देख लो, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इस टाइम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग ट्रैवल बहुत दूर से कर रहे हैं, 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना, बहुत, और दिल्ली में खासकर बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बताइए अगर कोई हमसे गलती भी होगी वीडियो में, तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके, वो भी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं आप क्या हम अगला ब्लॉग अपना कहाँ पर रखें, हम वहाँ पर भी जाएंगे। तो गाइस, ये है हमारा छोटा सा स्टेडियम टाइप का बैठने के लिए, यहाँ पर हम आके मतलब जैसे क्लास बंक कर रहे हैं तो बैठ सकते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है, और ये हमारा व्यू सामने से। सो गाइस, कुछ रीजन की वजह से हम आपको लाइब्रेरी अंदर से नहीं दिखा पाए, क्योंकि जैसे ही हम बैठे तो लाइब्रेरी के जो ओनर थे रिसेप्शन में, उन्होंने हमें हटा दिया, साथ से अलग हटा दिया, तो इसी चक्कर में स्ट्रिक्ट था लाइब्रेरी में रूल, तो मैं नहीं दिखा पाया लाइब्रेरी, तो सॉरी। लेकिन ये हमारा पीछे का है स्टेडियम टाइप का, और यहाँ पर हम बैठ के कभी कभी बैठे रहते हैं खाली, जब हमें क्लास नहीं लेनी होती, जब हम बंक करते हैं तो हम यहीं बैठे रहते हैं, और आगे स्टेडियम है। सो गाइस, ये हमारी मेट्स की बिल्डिंग्स हैं,
Thank you.